नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद्यू पर। आज हम करेंगे भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो हमारा टॉपिक है आज का भारतीय मानक एवं दूरस्थ बिंदु। तो पहला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस स्तर पर वह है। तो भारत में अगर रात के 12 बज रहे हैं और जो स्थान है उस वहाँ पर 6 बज रहे हैं, तो मान लीजिए 6 घंटे आगे है और एक घंटे में 15 डिग्री होता है, तो 15 × 6 90 डिग्री आगे होगा। तो भारत का यामोत्तर रेखा कितना है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 में अगर 90 जोड़ दोगे आप तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो सबसे पहले हम भारत का मैप देखने के लिए निशान बनाएंगे। तो ये हो गया पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी छोर, और ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी छोर हमारा है बालांग में किवतु, और पश्चिमी क्षेत्र है गुजरात में गुहार माता। तो इन दोनों के बीच का अंतराल है 2 घंटे। तो इसका सही आंसर उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ी है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट है? तो इसका सही आंसर होगा रीवा। मध्य प्रदेश का जो रीवा स्थान है उसका देशांतर सबसे निकट है। आप भारत का मैप रख कर देखेंगे तो रीवा भारतीय मानक समय के सबसे पास में है, जो 82.5 डिग्री ही है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो 82.5 डिग्री रेखा भारत का मानक समय है, तो ये किस राज्य से नहीं गुजरती? तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, MOUCA मौका। तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से देखिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा नहीं है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तो महाराष्ट्र नहीं। तो इसका सही प्रश्न होगा, उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। आप ट्रिक याद रखेंगे मौका, जिससे आपको जिस जिस राज्य से गुजरती है वो सारे याद हो जाएंगे। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये इलाहाबाद के नैनी स्थान से लिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक समय IT एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5:30 पहले, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो ये मैंने आपको बताया था, इन अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। तो आप अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा? 7 बजे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है, तो आप ऐसे देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, या मान लीजिए ये भारत है। तो अगर यहाँ दिल्ली है, इसके नीचे जो यामोत्तर जा रही होगी वहीं पे बेंगलुरु भी पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है।
अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु पूछा जाए तो पॉइंट कैलीमर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो अभी बताया है मैंने आगे वाले में बड़ा निकोबार, तो बड़ा निकोबार इसमें देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन सी सही होगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, तो अच्छा इसका ये इस प्रश्न का मतलब ये है कि भारत के राज्यों में से कौन सबसे पूर्वी और कौन सबसे पश्चिमी है, तो मैं ये अभी पहले भी बता चुका हूँ भारत, तो सबसे पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी है गुजरात, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है, तो 16 का कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन से एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, तो इनकी अगर स्थिति देखोगे भारत का मैप बना लीजिए, तो लखनऊ की स्थिति यहाँ है यहाँ पे, और भोपाल यहाँ है, और बेंगलुरु दिल्ली के उस पे है, हैदराबाद यहाँ है, तो सबसे उत्तरी कौन सा हुआ, लखनऊ, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो बताइए कौन सा स्थान होगा, तो कन्याकुमारी स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। दोस्तों एम वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जाकर एम विद यू वन सर्च करोगे आप, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।